गुड आफ्टरनून एवरीवन, होप ऑडियो एंड वीडियो इज एब्सोल्युटली क्लियर। Today we are going to discuss a new topic, and that is microwave hybrid circuit. I think you guys are deserve only a recorded class. ठीक है, वैसे आप कहते हो सर लाइव पढ़ाओ, लाइव में ज़्यादा फीलिंग आती है, और लाइव क्लास तुम अटेंड ही नहीं करते हो। ठीक है, कोई सेंस है इस बात का है भाई? ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोवेव। हाइब्रिड सर्किट एक तरीके से एक समझ सकते हो, ये चैप्टर का नाम है एक तरीके से। तो जैसे अपन नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्किट की जब बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या कनेक्ट होते हैं? रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर्स। वैसे ही यहाँ पे भी जब माइक्रोवेव सर्किट की बात करोगे, तो जैसे गन डायोड हो गया, इम्पैक्ट डायोड हो गया, ठीक है, जंक्शंस हो गए, जैसे टीज हो गए, ई प्लेन टी, एच प्लेन टी, डायरेक्शनल कपलर हो गया, ठीक है, सर्कुलेटर हो गया, आइसोलेटर हो गया। तो इस तरीके की डिवाइस माइक्रोवेव सर्किट में लगी होती हैं। ठीक है, तो माइक्रोवेव सर्किट कंसिस्ट सेवरल माइक्रोवेव डिवाइसेस, माइक्रोवेव डिवाइसेस लाइक गन डायोड, बैट डायोड, डायरेक्शनल कपलर, ठीक है, आइसोलेटर, सर्कुलेटर, आइसोलेटर, सर्कुलेटर, माइक्रोवेव टीज, माइक्रोवेव टीज सच एज ई प्लेन टी। ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है, ठीक है, ई प्लेन टी, एच प्लेन टी, हाइब्रिड या फिर मैजिक, एक ही बात है ना, दोनों सेम नाम है, हाइब्रिड या फिर मैजिक टी, ठीक है, हाइब्रिड रिंग ईटीसी। सो बेसिकली बेसिकली माइक्रोवेव टीज एंड हाइब्रिड रिंग डायरेक्शनल कपलर ई टी सी एक्ट्स एज जंक्शन, और इट विल बी बेटर इफ वी राइट माइक्रोवेव जंक्शन। ये माइक्रोवेव जंक्शन की तरह काम करती हैं। तो अब जंक्शन किसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जहाँ दो या दो से ज़्यादा ब्रांच आके मीट होती हैं? सेम है, जैसे मान लो खेतों के अंदर या फिर कहीं पर भी पानी सप्लाई करनी है अपने को, तो एक मेन पाइप है, यहाँ पे अपन एक बैंड लगा दिया, मान लो मोड़ना है और आगे भी ले जाना, तो यहाँ पे अपन एक टी बैंड लगा देते हैं, ठीक है ना, टी बैंड लगा देते हैं, तो एक पाइप तो आगे चला गया और एक यहाँ से टी लगा दिया आपने, तो एक पाइप इधर भी आ गया,
टी बैंड लगाने के बाद क्या, इस तरफ भी पानी आ रहा है, तो इस तरीके से टी टी होती है, ई प्लेन टी, एस प्लेन टी, जो हाइब्रिड टी है। जैसे मान लो आपको इस तरफ भी लेके जाना है दो साइड में, तो जैसे ऊपर भी लाना, तो यहाँ पे इसके क्या हो गए, बेसिकली फोर एंड्स हो गए। ऐसे क्या हो सकता है, सर्कुलेटर हो सकता है, सर्कुलेटर में बहुत सारे एंड हो सकते हैं। ये तो धीरे धीरे अपन सारी चीजें पढ़ेंगे, इसके बहुत सारे एंड हो। तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम था कि जैसे एग्जाम्पल है पानी का, ना कि पानी को जैसे अलग अलग पाइपों में भेजना है, तो जिस तरीके से आप जंक्शन बना रहे हो उस तरीके से यहाँ पे सिग्नल को भेजना है अपने को। क्या भेजना है, सिग्नल को भेजना है ना। सो बाय यूजिंग दीज माइक्रोवेव जंक्शंस, माइक्रोवेव जंक्शंस वी कैन ट्रांसमिट, वी कैन ट्रांसमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, सिग्नल अकॉर्डिंग टू अवर डिजायर, हमारी इच्छा के अनुसार, जिस तरीके से हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट के अनुसार आप ट्रांसमिट कर सकते हो। ठीक है, वेवगाइड क्या है, वेवगाइड एक पाइप है, ठीक है, टी लगा दी एक, अब जैसे टी लगाने के बाद दो वेवगाइड और जोड़ दिए, सीधे भी चला जाएगा सिग्नल और बीच में मुड़ भी जाएगा। ऐसे डायरेक्शनल कपलर में भी क्या होता है, डायरेक्शनल कपलर में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, देखो मैं बता देता हूँ आपको, बाकी आपके आगे आएगा ही। ये डायरेक्शनल कपलर होता है, यहाँ से सिग्नल आगे भी चला गया और यहाँ से दो दो रीजन भी बन गए, लेकिन इसको शॉर्ट कर दिया जाता है, तो यहाँ से बेसिकली दो, एक आगे चला जाता है, किधर आ जाता है। इनका क्या यूज़ है, कैसे क्या करना है, वो सब मैं बताऊंगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो अपन जो स्टार्ट करेंगे वो टीथ से करेंगे, माइक्रोवेव टीथ से स्टार्ट करेंगे, ई प्लेन टी, एच प्लेन टी, मैजिक टी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एंड देन वी विल प्रोसीड अहेड। ठीक है, अब ये कैसी होती हैं ये समझाने के लिए, जैसे मैं ठीक है, जैसे मान लो ये एंड और ये एंड दोनों एंड ओपन है, ठीक है ना, और इसके ऊपर मैंने ये एक टी बन गई ना, एक टी बन गई, देखो मैं क्लोज दिखा देता हूँ आपको थोड़ा इस तरीके से। तो ये ऊपर वाला एंड ओपन रहेगा और ये दोनों एंड ओपन है, तो ये होती है ई प्लेन टी, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बिल्कुल ऐसे, मतलब आप वर्टिकल कह सकते हो। और अगर इसको मैं यहाँ लगा दूँ ऐसे, तो कुछ स्ट्रक्चर देखो, चारों तरफ से घुमा के दिखा देता, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर जब बनेगी तो इसको बोलेंगे एच प्लेन टी। क्या बोलेंगे, एच प्लेन टी। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, ऊपर भी रखूँ और नीचे भी रखूँ, यानी कि दोनों जगह रखूँ ऐसे, अब इसके फोर एंड्स ओपन हो गए, फोर एंड्स ओपन हो गए, इसको बोलते हैं मैजिक टी। क्या बोलते हैं, मैजिक टी। और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है, तो अपन एक चीज़ और कर सकते हैं, आप देखो गूगल पे ट्राई कर सकते हो, गूगल पे आप देखोगे, सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये तो है एक्सपेरिमेंटल, जो एक्सपेरिमेंट में होती है, ये जो आपको लैब में दिखेगी, है ना। ठीक है, लेट मी पुट इट क्लोज। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल टी है, और जो अपन ये देखो, ये जो नीचे है, ये जो है, ये क्या है, एक मैजिक टी है, यानी कि इसमें फोर एंड्स ओपन है, ठीक है ना, और ये एक बैंड है, लेकिन बैंड अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अपन जो डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम अपन ऐसा बनाएंगे, ऐसा ऐसा बनाएंगे डायग्राम। ठीक है, बाकी आप इंटरनेट पे सर्च करोगे आपको चीज़ें दिख जाएंगी। तो अब ये डायग्राम तो मैं भी थोड़ा देख देख के बनाऊंगा, ठीक है, बाकी आप एग्जाम में थोड़ा बना के आप प्रैक्टिस कर लेना, बाकी कैसे क्या होती है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आप पोज करके यहाँ से, पोज करके आप यहाँ से नोट्स बना सकते हो। ठीक है, बाकी मैं ग्रुप के अंदर कुछ इमेजेस शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको समझने के लिए, कि ई प्लेन टी, एच प्लेन टी और मैजिक टी किस तरीके की होती हैं। ठीक है, तो आप सीख भी सकते हो, मैं जिस हिसाब से बना रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। मैं सबसे पहले ई प्लेन टी बना रहा हूँ, यहाँ पे किसको बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है, मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, ई प्लेन टी। ठीक है, तो
तो ये एक वेवगाइड जैसा बन गया, ये एंड भी ओपन है, ये एंड भी ओपन है। अब इसके ऊपर यहाँ पे एक और पोर्ट बनाना है अपने को, तो मैं इस वाले को थोड़ा शो नहीं करता हूँ कंप्लीट, वरना थोड़ी सी दिक्कत होगी बनाने में मुझे। यहाँ पे एक और एंड जो है वो ओपन होगा, ये लो अब क्लियर बन गया ना। तो यहाँ पे मैं एक दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, ये डायग्राम मैंने आपको बना बना के भी दिखा दिया, इतना कुछ टिपिकल नहीं है, लेकिन आपको बना के आना पड़ेगा एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे देखो, इसमें फील्ड ज़रूर दिखाना, ई वेक्टर इस तरीके से दिखाना आपको, समझ रहे हो, ये ई वेक्टर है। और इसी को मैं यूं घुमा दूंगा तो क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा, लेकिन एच पैरेलल होता है उसमें, है ना, ये फ़र्क होता है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर मैं इसका सिर्फ 2D डायग्राम बनाता हूँ, तो इसका 2D डायग्राम देखो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये आपका ई प्लेन टी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाना है आपको, तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि हाँ भैया ये ई प्लेन टी है, क्योंकि ये इस तरीके से, मतलब ये जो पैटर्न है यहाँ जाके एंगल 90 पे कन्वर्ट हो जाता है, वो कैसे होगा वो सब बता देंगे। तो ये बना लेना दोनों। उसके बाद अपन बात करते हैं एच प्लेन टी की, किसकी बात करेंगे, एच प्लेन टी। एच प्लेन बनाते हैं ना, तो हाँ देखो लग रहा है ना 3D एकदम। तो इसमें देखो ई आर्म कैसे होगी, ये इसको बोलते हैं ई आर्म, ये जो है इसको बोलते हैं ई आर्म, आर्म का मतलब भुजा हिंदी के अंदर, साइड हाथ था ना, इसको बोलेंगे एच आर्म। तो वहाँ पे देखो किस तरीके से है, पैरेलल है जो ऑक्सिलरी फील्ड है इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें कैसे रहेगा, यहाँ ऐसे रहेगा, जबकि आप यहाँ पे देखो तो ई देखो वर्टिकल है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है। अगर आपको सिर्फ ऐसे दिखाया जाए तो आपको शायद पता ही नहीं चलेगा कि सर इसी को तो आपने टेढ़ा कर दिया, लेकिन यहाँ पे देखो तो फील्ड देखो किस तरीके से ऑसिलेट करता हुआ अंदर जाएगा, जबकि इसमें देखो किस तरीके से जा रहा है।
तो थोड़ा डिफरेंस आपको समझ में आ जाए, इसलिए है ये। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब अगर इस प्लेन की बात करो तो परपेंडिकुलर। तो ये हो गया ई प्लेन टी, एच प्लेन टी। अब ये इसके लिए अगर नेक्स्ट बात करें मैजिक टी की, किसकी बात करें, मैजिक टी। तो मैजिक टी में क्या होगा, मैजिक टी में भैया ये वाली साइड भी होगी और ये वाली साइड भी होगी, दोनों होगी। तो मैं इसी के नीचे बना देता हूँ, पहले एक बार मैं ये बना लेता हूँ। सीख लो भी बनाना, एग्जाम में नंबर मिलेंगे, और एग्जाम में जितनी सुंदर कॉपी बना के आते हैं ना स्टेट यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में, उनमें उतने ही नंबर आ जाते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर और बनाना है, उसके लिए भैया मैं डालता हूँ मैजिक टी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एच आर्म हो गई, और ये क्या हो गई, ई आर्म हो गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे शो कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भैया ई आर्म कौन सी और एच आर्म कौन सी है। ठीक है, और जो बच जाती है ना, ये इनको बोलते हैं कोलिनियर आर्म। ये आर्म भी क्या है, कोलिनियर है। और ये आर्म भी क्या है, कोलिनियर। सिमिलरली ये आर्म और ये आर्म कोलिनियर हैं, ये एच आर्म है, ये ई आर्म है, ये और ये कोलिनियर आर्म है और ये एच आर्म है। तो ये तीन डायग्राम हो गए। अब इन तीनों के लिए अपन क्या करेंगे, स्कैटरिंग मैट्रिक्स वगैरह सब कुछ बनाएंगे, स्कैटरिंग मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जो है समझ में आ जाना चाहिए। तो अगर कोई डाउट है आपको, देखते हैं कोई महाशय आया हो तो अटेंडेंस चेक कर लेते हैं आप लोगों की, उम्मीद तो नहीं है मुझे। ओके, सो अदिति हैव अटेंडेड द लेक्चर, अंजलि भी अटेंड कर चुकी है। सुन रहे होगे मेरे को, है भाई, ये जा चुके हो, गायब हो चुके हो ना।
अगर आप लोग लाइव हो और अगर देख रहे हो तो देख लो यहाँ तक, अगर कोई डाउट है आपको ठीक है। बाकी मैं एक किस तरीके से काम करते हैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, अगर आप लोग लाइव हो तो पूछ सकते हो भाई, वरना फिर अपन इसकी कैलकुलेशन की बात करेंगे। अदिति डायग्राम बना रही है या फिर आगे चलें? देखो डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए, ऐसा लग रहा है ना जैसे बोर्ड से निकल के आने वाले हैं ये। हाँ आगे चलते हैं। तो देखो जब भी अपन किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क की बात करते हैं, कम से कम जिसमें टू पोर्ट हो ठीक है, जैसे टू से ज़्यादा तो हो ही सकते हैं, लेकिन अगर कम से कम अगर अपन टू पोर्ट की बात करें तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा टू पोर्ट नेटवर्क में क्या आता था, आप पैरामीटर कैलकुलेट करते थे, वाई पैरामीटर, जेड पैरामीटर ठीक है, एच पैरामीटर। वाई क्या होता था? एडमिटेंस। जेड क्या होता था? इम्पिडेंस। और एच क्या होता था? हाइब्रिड पैरामीटर निकालते थे ठीक है। क्यों क्यों निकालते थे? ताकि आप वोल्टेज और करंट के बीच का एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सको। लेकिन हो क्या रहा है कि माइक्रोवेव सर्किट में आप ऐसा नहीं कर सकते, मतलब आप वाई जेड और एच नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो बोले क्यों नहीं कर सकते? तो इसका रीज़न है, पहला जो रीज़न है वो ये आता है कि ऐसी कोई डिवाइसेस नहीं है जो ईएम वेव जो ट्रांसमिट हो रही है उसके लिए टोटल वोल्टेज और टोटल करंट को मेजर कर सके ठीक है। सच डिवाइसेज आर नॉट अवेलेबल विच कैन मीजर वोल्टेज एंड करंट्स ऑफ ईएम सिग्नल ठीक है, पहला ड्रॉबैक। दूसरा क्या था कि वहाँ पे आपको याद होगा जब अपन वाई जेड एच निकालते हैं तो शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं ओपन सर्किट इम्पिडेंस, शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस या शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस। शायद याद ना हो लेकिन आप अगर पन्ने पलट के देखोगे ग्रेजुएशन की बुक के आपको मिल जाएगा, वो कैलकुलेट करने के लिए आपको शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट बनाना पड़ता है बार बार ठीक है। अब जब अपन माइक्रोवेव डिवाइस की बात करें और माइक्रोवेव डिवाइस में अगर अपन अपने को इस तरीके से शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट की बात करें तो आइडियली ये पॉसिबल नहीं है माइक्रोवेव सर्किट में ठीक है। तीसरा रीज़न क्या है कि अपन वाई जेड और एच पैरामीटर यूज़ नहीं कर सकते? तीसरा रीज़न है कि जो पावर ट्रांजिस्टर्स होंगे यहाँ पे, जो पावर ट्रांजिस्टर्स यूज़ होंगे वो एक्टिव डिवाइस होंगे यहाँ पे माइक्रोवेव सर्किट में, और उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज भी क्या होगी? बहुत ब्रॉड होगी, क्योंकि अपन माइक्रोवेव रीजन की बात कर रहे हैं ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो उस केस के अंदर वो स्टेबिलिटी नहीं होगी उनके अंदर, क्या नहीं होगी? स्टेबिलिटी किसके अंदर? जो एक्टिव
अपन सर्किट के अंदर जो यूज करेंगे एक्टिव एलिमेंट लाइक पावर ट्रांजिस्टर्स, उनमें स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो स्टेबिलिटी नहीं होगी तो भैया आप जो पैरामीटर कैलकुलेट करोगे वाई जेड एच वो भी बदल जाएंगे, है ना, स्टेबल वो भी नहीं रहेंगे। तो ये तीन ड्रॉबैक हैं जिनकी वजह से अपन माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वाई जेड और एच पैरामीटर्स यूज नहीं करते हैं। तो फिर बात आती है कि यार अब क्या किया जाए, किस तरीके से सोल्व किया जाए। तब आता है स्कैटरिंग पैरामीटर। क्या आता है? स्कैटरिंग पैरामीटर यानी कि एस पैरामीटर, और उसी की अपन कैलकुलेशन करेंगे, उसी से जो है आगे डील करेंगे। अब ध्यान दो, क्वेश्चन एग्जाम में ये भी बन सकता है वाई वी नीड एस पैरामीटर, कि एस पैरामीटर की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो इसमें वो जो तीन ड्रॉबैक थे, जो तीन मैंने कमियां बताई कि भैया एच वाई और जेड पैरामीटर से काम क्यों नहीं चल सकता, वो कमियां आपको यहाँ लिखनी है कि भैया इन तीन कमियों की वजह से आप जो नॉर्मल जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उस तरीके से माइक्रोवेव सर्किट को सॉल्व नहीं कर सकते हो, इसीलिए एस मैट्रिक्स की या एस पैरामीटर की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो चलते हैं आगे। फोर्थ एनी टू पोर्ट नेटवर्क वी यूज सम पैरामीटर्स, वी यूज सम पैरामीटर्स सच एज वाई, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ एडमिटेंस, कि किसको रिप्रेजेंट करता है ना एडमिटेंस। एडमिटेंस क्या होता है? इम्पिडेंस का इनवर्स, यानी कि आई अपॉन वी। एडमिटेंस इम्पिडेंस यानी कि जेड, एंड हाइब्रिड यानी कि एच पैरामीटर्स, पैरामीटर्स इन ऑर्डर टू कैलकुलेट टोटल वोल्टेज एंड टोटल करंट, टोटल वोल्टेज एंड टोटल करंट एट एनी पॉट, बट इन केस ऑफ माइक्रोवेव सर्किट दीज पैरामीटर्स आर नॉट गुड, पैरामीटर्स आर नॉट गुड बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स। वर्मिंग डाल लेता हूँ, बाकी मैंने जो आपको तीन रीजन बताए हैं वही रीजन्स हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एस पैरामीटर की जरूरत क्यों पड़ी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यहाँ से अगर क्वेश्चन किया जाता है कि वाई वी नीड एस मैट्रिक्स योर एस पैरामीटर, तो भी सेम ही आंसर लिखना है जो मैं आगे लिख रहा हूँ, वही चीज़ लिखनी है। तो सबसे पहला है नो डिवाइसेस टू मेजर टोटल वोल्टेज एंड टोटल करंट, टोटल करंट रेडिली अवेलेबल, अवेलेबल ही नहीं है भैया फॉर माइक्रोवेव सिग्नल। माइक्रोवेव सिग्नल यानी कि माइक्रोवेव क्या, ईएम सिग्नल ही तो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो, वेव का आप वोल्टेज करंट निकालो, ऐसी कोई डिवाइस नहीं है। सेकंड, माइक्रोवेव डिवाइसेस लाइक पावर, माइक्रोवेव एक्टिव डिवाइसेस लिखना है यहाँ पे, एक्टिव डिवाइसेज लाइक पावर ट्रांजिस्टर्स, पावर ट्रांजिस्टर्स एंड कोई भी पावर ट्रांजिस्टर हो गए, बैड डायोड हो गया, गन डायोड हो गया, ईटीसी डू नॉट हैव स्टेबिलिटी, क्या नहीं होती इनके पास, स्टेबिलिटी नहीं होती है। और थर्ड रीजन क्या है?
इसके नीचे दिखेगा ना, हाँ लिख देते हैं, प्रैक्टिकली या फिर शॉर्ट सर्किट, या फिर हाँ शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट इन माइक्रोवेव सर्किट्स, और माइक्रोवेव सर्किट्स आर नॉट प्रैक्टिकल। चीज यार प्रैक्टिकल नहीं है बोले यहाँ पे, ठीक है। दैट्स व्हाई वी नीड अ डिफरेंट मेथड, वी नीड अ डिफरेंट मेथड दैट इज कॉल्ड, मेथड लिख सकते हो या फिर पैरामीटर कह सकते हो कि अपने को एक अलग पैरामीटर की जरूरत पड़ रही है, और उस पैरामीटर को कहेंगे अपन एस पैरामीटर। तो एक बार यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद आगे चलेंगे। नमस्ते रोहित कुमार, एक्चुअली शायद यहाँ पे देखो थोड़ा टाइम लैग होता है, तो आपने जब कमेंट किया कि सर अभी बना रहे हैं, तब तक शायद मैं मिटा चुका था, मैंने आपका कमेंट देखा नहीं। चलें क्या भैया आगे?
गया, चलो आगे चलते हैं। तो भैया यहाँ से अपने को पता चल गया कि भैया काम नहीं चलेगा, और काम नहीं चलेगा तो अपने को नया पैरामीटर डिफाइन किया गया, और वो पैरामीटर क्या है वो बताते हैं अब आपको ना। तो वहां तक लिख दिया था कि भाई काम नहीं चलेगा, सो एस पैरामीटर इज डिफाइंड डिफाइंड लेट अस कंसीडर एन एन पोर्ट डिवाइस। कितने पोर्ट हों उसके अंदर? एन पोर्ट हों। ठीक है, आप बराबर डिस्टेंस पे बना लेना। अब ये तो देखो कितने पोर्ट बनेंगे इसमें, 3 और 6 बनेंगे, लेकिन कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जैसे अगर मैं डॉटेड लाइन दिखा दूँ, इसका मतलब कि भाई बीच में और भी हो सकते हैं ऐसे। इनको जितने नज़दीक बनाओगे उतने पोर्ट ज़्यादा बन जाएंगे, तो यहाँ से एंटर भी कर सकता है और बाहर भी निकल सकता है। ठीक है, तो एस एस पैरामीटर इज डिफाइंड एज पैरामीटर इज डिफाइंड एज पीआई इज इक्वल्स टू समेशन एस आई जे एंड ए आई। यहाँ ए किसको बता रहा है? इनपुट को बता रहा है मान लो, और बी किसको बता रहा है? आउटपुट को बता रहा है। ठीक है, या वाइस वर्सा भी ले सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब यहाँ पे देखो, या एस आई जे ए जे ले भैया, यहाँ पे है ना, जे डम इंडेक्स है 1 से लेके एन, एन जितने पोर्ट हैं उतने, जितने पोर्ट हैं उतने। तो ये डेफिनेशन हो गई एस पैरामीटर की। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये बेसिकली क्या है, एक मैट्रिक्स है आई इंटू जे ऑर्डर का। ठीक है, अब देखो जितने इनपुट है उतने ही आउटपुट है, इसका मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ये कह सकते हो आप। तो एस आई जे को आप कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हो, अगर मैं मैट्रिक्स को डिनोट करना चाहूँ तो। जैसे यहाँ पे S11, S12 डॉट डॉट डॉट, S21 डॉट डॉट डॉट, SN1 एंड SN×N। सो बेसिकली दिस रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन होता है वैसे हो गया आपका S पैरामीटर। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लो और ये याद रख लो, उसके बाद अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज वगैरह की। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अगर आई ग्रेटर देन जे है देन एस आई जे को बोलेंगे अपन ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। ठीक है, लेकिन अगर आई लेस देन जे है तो इसको फिर आप बोलोगे रिवर्स ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। क्या बोलोगे? रिवर्स ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। इसका मतलब इस केस में कौन कौन आएगा? जैसे S21 आ जाएगा, S31 आ जाएगा, S32 आ जाएगा, जिसमें I बड़ा होगा वो सब ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, और जिसमें J बड़ा होगा वो सब रिवर्स ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। मतलब इस डायगोनल के जो ऊपर होंगे वो सब क्या होंगे? रिवर्स ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट होंगे, और जो डायगोनल के नीचे होंगे वो सब क्या होंगे? ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट होंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और जैसे सेम है डायगनल पे, वो क्या बता रहे हैं? यहां से गया और कितना सिग्नल रिफ्लेक्ट हो गया, फर्स्ट से गया फर्स्ट से ही वापस आ गया, तो रिफ्लेक्शन को बता रहा है कि सिग्नल कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसी से गया उसी से वापस आया तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हो गया एक तरीके से। तो एक बार ये बना लो, और उसके बाद अपन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, कल बात करेंगे, और टाइम पे क्लास ज्वाइन कर लिया करो। फिर देखो लाइव का कोई मतलब नहीं है, वरना मैं फिर रिकॉर्डेड डाल दिया करूंगा कल से। ठीक है ना, टाइम भी कम लगेगा उसके अंदर। क्लास 3:30 पे है तो 3:30 पे ज्वाइन कर लिया करो टाइम पे। ठीक है,
ठीक है, कल मिलते हैं, नोट हो गया ये।